दिल्ली के नरेला में भीषण आग लगी। नरेला में जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर, आग ने दो और फैक्ट्री को अपने चपेट में लिया। तो आग इतनी भयंकर कि दो और फैक्ट्री को इस आग ने अपने चपेटे में ले लिया। आग बुझाने के दौरान फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और सिलेंडर ब्लास्ट में 3 दमकल कर्मी घायल हो गए। तो आग बुझाने के दौरान फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं दूर दूर कर ये फैक्ट्री जलती हुई और आग इतनी भयंकर यहां पर कि दूसरी फैक्ट्रियों को भी अपने चपेटे में इस आग ने ले लिया। तो नरेला की पूरी घटना जहां पर जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आग बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि दो और फैक्ट्री इस आग की चपेटे में आ गई। तो वहीं आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के कई जो कर्मी हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो 3 दमकल कर्मी इस दौरान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट में ये 3 दमकल कर्मी घायल। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से आग बुझाने की कोशिशें यहां पर दमकल कर्मियों की तरफ से की गई। तो आग इतनी भयंकर थी कि दो और फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले गई। तो नरेला की पूरी घटना है जहां पर जूता फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने के क्या पीछे वजह है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस दौरान जब दमकल कर्मी आग बुझाने पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 दमकल कर्मी घायल हो गए। तो दिल्ली के नरेला की पूरी घटना आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुबह सवेरे किस तरह से आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मी, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आग इतनी भयंकर थी कि सिर्फ धुआं ही धुआं यहाँ पर नजर आ रहा था और दो और फैक्ट्रियों को इस आग ने अपने चपेट में लिया। तो भारी नुकसान की भी अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। हर एक पहलू पर जांच चल रही है। तो फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर बनकर स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसकी लापरवाही के चलते ही घटना घटी, क्योंकि अभी तक जो वजह है वो निकलकर सामने नहीं आए। तो दिल्ली के नरेला इलाके की पूरी घटना आपको हम बता रहे हैं जहाँ पर ये जूता फैक्ट्री में आग लगी और आग इतनी बड़ी कि दो और फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया।